ई इट इज नॉट इन द स्टार्स इट इज नॉट इन द स्टार्स टू होल्ड अवर डेस्टिनी बट इन अवर सेल्व टूडे इज फर्स्ट ऑफ सेप्टेम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी क्विक डिस्कशन ऑफ ऑल दीज इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रैपिड जी के यर स्टडी क्वेश्चन के आंसर्स हैं शेयर्ड डेस्टिनी टू थाउजेंड ट्वेंटी वन एक डिफेंस एक्सरसाइज है जो हाल ही में चाइना में हुई है और इसके पार्टिसिपेंट्स हैं चाइना पाकिस्तान थाईलैंड एंड मंगोलिया पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड ये स्कीम इनिशिएटिव है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कुमिंग डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू चाइना सुजलाम कैंपेन है दिस इज लॉन्च बाय जल शक्ति मिनिस्ट्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेड फोर्ट न्यू दिल्ली में आईएनए के ट्रायल्स हुए थे विलियम डिग्बी ने जो राइटिंग्स है इनकी दिस इज रिलेटेड टू फेमाइंस इन इंडिया आकाल सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडेज स्टडेज क्वेश्चन आज के सवाल हैं इन विच स्टेट इज द नामधापा नेशनल पार्क लोकेटेड नामधापा नेशनल पार्क नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच इंडियन स्टेट और यहाँ पर किस एनिमल का ट्रांसलोकेशन हो रहा है इट वॉज दयानंद सरस्वती हु प्रोक्लेम्ड इंडिया फॉर द इंडियंस ये स्टेटमेंट किसने दिया था मोडरेट फेज ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस फिर उन्नीस सौ सात का सूरत स्प्लिट मोडरेट और एक्सट्रीमिस्ट अ नेशन इन मेकिंग इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ होम हुर गांधी सो दीज आर सिक्स क्वेश्चन फॉर टूडे आज की वोकेबलरी है प्रोट्रेक्टेड प्रोट्रैक्टेड जैसे यूएस का अफगान एडवेंचर प्रोट्रेक्टेड था एक्सटेंडेड रॉन आउट प्रोलोंग काफी लंबा खिंच गया Deliberation का मतलब आप उसमें सोच विचार कर रहे हो कॉशन है स्लोनेस है केयर है Cynicism मतलब वहां पे डाउट है डिस्ट्रस्ट है. Hefty का मतलब वो काफी पावरफुल है काफी फोर्स और विगर के साथ वो वर्क हुआ है. Hefty प्रपोजिशन बक का मतलब होता है बक द ट्रेंड रेजिस्ट करना ओपोज करना कॉन्ट्राडिक्ट करना सो दीज आर सम वोकैबुलरी words. इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो अच्छी वोकेबलरी रखना बहुत जरूरी है आज के टॉपिक्स हैं यू एन एस है, है इसमें इंडिया का भी जो स्टेटमेंट है यू में विल हैव अ टॉक इकोनॉमी के नंबर आए हैं ट्वेंटी वन पॉइंट वन परसेंट ग्रोथ हुआ है क्वार्टर वन में बट इसकी फाइन लाइंस क्या है एक्चुअल में ट्वेंटी वन ट्वेंटी पॉइंट वन परसेंट ग्रोथ है या नहीं बेस इफेक्ट विल हैव अ टॉक देन दिस इज न्यू माइलस्टोन ऑफ वैक्सीनेशन ट्वेंटी फोर परसेंट शॉर्टफॉल हुआ है ऑगस्ट की रेन में स्कूल्स फिर से ओपन हो रहे हैं किन ऑफ मिलिटेंट्स ऑफर्ड एन ऑलिव ब्रांच दिस इज कॉज फॉर कंसर्न ये है एनसीआर रीजन ये एनसीआर का मैप है और एन सी आर मतलब इंडिया का अर्बनाइजेशन और अर्बनाइजेशन रिलेटेड क्या चैलेंजेस हैं? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्मार्ट सिटी पॉलिसी रिकमेंडेशन और एक सवाल तैयार करेंगे दिस इज पायरिक विक्ट्री विक्ट्री जो हुई है वो अफगानिस्तान में क्या कॉन्सिक्वेंसिस हैं अपकमिंग क्या चैलेंजेस हैं विल हैव अ टॉक फॉर द रिकॉर्ड दिस इज यू एस ओपन द नेक्स्ट स्टेप इन डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिकुशन सी डेमोक्रेसी में भी इवॉल्यूशन हो रहा है समय के साथ बदल रही है तो क्या इवॉल्यूशन अभी ओवर ड्यू हैव अ टॉक दिस इज अ वेरी गुड आर्टिकल देन मेकिंग आउट अ केस फॉर प्रॉपिंग अप इन द मिडिल प्रॉपिंग अप द मिडिल क्लास मिडिल क्लास एंड इकोनॉमिक क्राइसिस ब्रिक्स का अभी मीटिंग होगा ब्रिक्स पे हम बात करते हैं मेकिंग द पैरालंपिक्स काउंट दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट क्रैक्स इन द ग्लास सीलिंग जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है वहां पर विमेन जजेस क्रैक्स इन द ग्लास सीलिंग दिस इज ट्रेड कॉरिडोर जो एक्टिवेट किया है चाइना ने वाइस प्रेसिडेंट साहब का स्टेटमेंट है अ हैपियर स्कूल है समग्र शिक्षा टू पॉइंट ओ स्कीम यह नए सीरीज के अब नंबर मिलेंगे भारत सीरीज फॉर ऑल इंडिया व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर आज का जो मैप है इसमें हम इंडिया का वाटर डिवाइड समझेंगे और इम्पॉर्टेंट रिवर्स देखेंगे उनका सोर्स और उनका ड्रेनेज कहाँ पे हो रहा है देन दिस इज सी सेट सोल इन सर्टन क्वेश्चन सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन नेक्स्ट अबाउट थर्टी फाइव टू फोर्टी मिनट रेफरेंस मटीरियल इज दिस द हिंदू एंड दिस इज इंडियन एक्सप्रेस बोथ आर दिल्ली एडिशन सी आज फर्स्ट ऑफ सेप्टेम्बर है तो इट इज टाइम टेंथ ऑफ अक्टूबर को एग्जाम है पूरे सेप्टेम्बर थर्टी डेज हम थर्टी क्विज करने वाले हैं क्विज़ में डेली हम ट्वेंटी फाइव एम सी क्यूज़ देखेंगे और विल ट्राई टू सॉल्व इट इन ट्वेंटी फाइव टू थर्टी मिनट एवरी डे मीन्स एवरी डे एट नाइन पी एम शॉप ओके अब ये जो सवाल हैं जैसे लास्ट ईयर हमने देखा था इसमें पॉलिटी के भी सवाल होंगे ज्योग्राफी भी होगा हिस्ट्री भी होगा इकोनॉमिक्स भी होगा और करंट अफेयर्स करंट अफेयर्स में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेटेस्ट स्कीम गवर्नेंस एट्सट्रा वो सब इसमें क्लब कर लेंगे तो ये जो पांच पिलर है ना ये पांच पिलर बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के 25 हम क्वालिटी एमसीक्यूज एवरीडे एवरी डे देखेंगे और 30 डेज में वी विल कवर अराउंड 750 क्वेश्चंस तो ये चीज़ तो हमने लास्ट टाइम भी किया था इस बार एक्स्ट्रा क्या करेंगे इस बार एग्जाम दस अक्टूबर को है तो एक तीन और पाँच इन तीन दिनों पे हम फुल लेंथ टेस्ट्स भी करने वाले हैं थ्री फुल लेंथ टेस्ट लेंगे फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ ऑफ अक्टूबर को प्लस लास्ट टाइम बिकॉज टेक्निकल चैलेंजेस भी थे वी वर नॉट दैट डेवलप तो हम वन ऑन वन कॉन्वर्जेस नहीं कर पाए थे सो दिस साल इस साल आप जो एग्जाम लिख रहे हो टेंथ ऑफ अक्टूबर आई एल मेक श्योर आई गिव यू माई टाइम और आपकी जो भी चैलेंजेस हैं जो भी गाइडेंस है यू कैन टॉक टू मी वन ऑन वन, -वन कॉन्वर्जेशन भी विल मेक इट हैपन ओके अब तो आज 9 पीएम से डे वन है सी एस सी प्रिलिम्स टेंथ ऑफ अक्टूबर ट्वेंटी फाइव एम सी क्यूज़ एवरी डे करेंगे इस पूरे थर्टी डेज में सिंसियरली हमें ये सारे सवाल देखने हैं और प्रिलिम्स मोड पे आना है साल भर हमने मेंस की बड़ी अच्छी तैयारी की है अब इस एक महीने में प्रिलिम्स मोड पे हमें आना है और प्रिलिम्स क्रैक करना है ओके अब इसके लिए दिस इज अवर वेबसाइट वेबसाइट में आप बड़ा अच्छे आंसर्स भी लिख रहे हो एक्सीलेंट एम रेजिंग सम फंड टू मेक्स रजन इंडिया वन बिगर एंड बेटर अगर आप कॉन्ट्रीब्यूशंस कर सकते हैं तो गो टू दिस टैब दिस इज कॉन्ट्रीब्यूशन ये पेज ओपन होगा दिस इज अगेन वॉल्टरी एनी अमाउंट एनी अमाउंट विच एवर यू फील कंफर्टेबल यू कैन पुट दैट वैल्यू ओवर हेयर एंड मेक सम कॉन्ट्रीब्यूशन इससे क्या होगा मेरा काम भी थोड़ा आसान हो जाएगा बहुत सारा बैकग्राउंड वर्क ईजी हो जाएगा और हम स्पीड से बहुत सारे जो पेरिफरल वर्क है उसको कंप्लीट कर पाएंगे ओके सो दिस वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल ऑल राइट सो लेट एस कम बैक टू दिस न्यूज डिस्कशन तो ये आज के टॉपिक्स हैं। वन मोर थिंग न्यूज़पेपर में जब आप ये वीडियो फॉलो करते हो तो डोंट थिंक अबाउट दीज नोट्स मेकिंग एटसेट्रा ये जो पूरा पूरा पीडीएफ है एवरीडे आई शेयर दिस पीडीएफ डी

आई एम ट्राइंग इसको सेम डे करने की कोशिश भी करते हैं पी के साथ फिर आपको जो इम्पोर्टेंट नोट्स बनाने हैं वो इसमें आप ऐड ऑन कर लो इससे क्या होगा आपका टाइम सेव होगा अगेन आपको पूरा न्यूज़पेपर गो थ्रू नहीं करना होगा जो एक्स्ट्रा चीज़ें आपको दिख रही है आप उसमें ऐड ऑन कर लो ओके सो दिस इज़ अ रियली गुड स्ट्रैटेजी और पिछले दो साल के जो पी हैं वो आप वेबसाइट में शेयर सेक्शन है डाउनलोड वहां जाके उन पी को भी देख लो अब आपको लास्ट ईयर अगस्त में हमने जो पढ़ा था वो आपको क्विकली रिवाइज करना है तो जस्ट गो टू दैट फोल्डर हैव अ लुक उसमें स्क्रीन भी थम में सारा डिटेल दिया हुआ है क्विकली आप उसे ग्लैंस भी करोगे ना सब चीज़ याद आ जाएगा तो ये पढ़ने का सबसे अच्छा जो रीज़न है वो ये है कि इससे रिवीजन बहुत आसान हो जाता है और रिवीजन इज़ द की टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन ओके तो रिवीजन करना है और नेक्स्ट डे आप इस पीडीएफ को जब आई शेयर दिस पीडीएफ तब आप इसमें नोट मैकिंग करो जब वीडियो वॉच कर रहे हो ना जस्ट पे फुल अटेंशन एंड वॉच दिस वीडियो With, विथ कॉन्सेंट्रेशन दैट्स ऑल ओके सो आज के ये टॉपिक्स हैं यू एन एस सी concerns on की India. अफगानिस्तान इंडिया अपसी जैसे इंडिया है इंडिया का अक्सर क्रिटिसिज्म क्या होता है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है ना इसमें आइडियलिज्म बहुत ज्यादा होता है आइडियलिज्म आइडियलिज्म होने के कारण क्या होता है कई बार हम प्रैक्टिकल रीजंस या प्रैक्टिकल अपॉर्चुनिटीज से डिप्राइव हो जाते हैं इस आइडियलिज्म में थोड़ा प्रैग्मेटिज्म होना भी जरूरी है अब जैसे एक पॉलिसी और है हमारी हम किसी सेकेंड कंट्री के इंटरनल मैटर पे कभी भी कुछ नहीं बोलते हैं जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स हैं ह्यूमन वैल्यूज़ है एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए दिस इज़ अवर लाइन ऑफ एक्शन बट अगर इंटरनल मैटर है अफगान पीपल दमसेल्व्स आर इलेक्टिंग दिस तालिबान और अगर तालिबान को अगर स्टेटस इंटरनेशनल रिकॉगनीशन मिलता है सपोज़ वो यू में भी आता है सपोज़ वो सार्क में भी आता है तो उस केस में जो हमारी पॉलिसी है वो ये बोलती है कि जो भी प्रीमियर ऑफ दैट स्टेट है उसको हम ऑल ड्यू रिकोगग्नीशन एंड स्टेटस प्रोवाइड करेंगे तो ये पॉसिबिलिटी अभी तो लेटेस्ट सी क्या होता है यू एन रेजोल्यूशन में एक चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि तालिबान को तालिबान को अब टेररिस्ट बोलना बंद कर दिया है वर्ल्ड ने ओके दिस इज़ वन डेवलपमेंट सेकेंड जो रिजोल्यूशन यहाँ पे आया है उसमें ये बोला गया है कि तालिबान ने जो प्रॉमिस किए हैं कि ह्यूमन राइट्स वॉयेशन नहीं होगा इंडिया के अगेंस्ट उसकी ग्राउंड को टेररिज्म प्रमोट करने के लिए यूटिलाइज करने के लिए वो अलाउ नहीं करेगा ये चीज़ अब होना ज़रूरी है ओके okay? तो पी फाइव मेम्बर्स भी यहाँ पे डिवाइडेड थे इंडिया के पास अभी यू का प्रेसिडेंसी है अभी हम चेयरमैन हैं अगस्त के मंथ के लिए और वैसे हम नॉन परमानेंट मेंबर हैं दो साल के लिए यू में तो हमने यही वहाँ पर बात किया कि जो भी मैटर है वो पीसफुली और रिजोल्यूशन के थ्रू टॉक्स के थ्रू सॉल्व होना जरूरी है सेकेंड अभी तक हम तालिबान से बात भी नहीं कर रहे थे हम बैक चैनल डिप्लोमेसी कर रहे थे जैसे दोहा कतर में अनऑफिशियली हम उनसे मिले एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें जयशंकर साहब ने भी अटेंड किया अब हम फॉर्मली भी इंडियन एन ने मीट किया तालिबान लीडर से इट साइंस दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सोफन इट्स स्टैंड ऑन द तालिबान द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इट्स एम्बेसडर टू कतर तो मतलब डायलॉग्स ओपन है प्रैक्टिकल थोड़ा बन रहे हैं हम भी प्रैग्मेटिक हो रहे हैं हम डिस्पाइट द एब्सटेंशन ऑफ द पी फाइव टू पी फाइव कंट्री रशिया एंड चाइना अब ये रशिया और चाइना प्रो तालिबान है रशिया ने तुरंत रिकोग्शन दिया चाइना ने भी रिकग्निशन दिया तो ये पी फाइव में भी है पी फाइव में है मतलब इनके पास वीटो पावर है इंडिया यू एन एस सी लेट जो रेजोल्यूशन हुआ उसमें बस ये कहा गया कि ये मैटर ऑफ सेटिस्फैक्शन है कि जो की कंसर्नस है अफगानिस्तान में वो एड्रेस किए जाए अब की कंसर्न्स क्या हैं अफगान की जो टेरिटरी है ये सेंट्रल एशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अफगान की टेरिटरी में टेररिज्म प्रमोट नहीं होना चाहिए सो नॉट टू बी यूज एज शेल्टर फॉर टेररिस्ट टेररिस्ट का ये ब्रीडिंग ग्राउंड नहीं बनना चाहिए नॉट टू बी यूज फॉर एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ पीस लॉ एंड ऑर्डर और ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज जो है वो यहाँ पे इंश्योर करना चाहिए दिस इज़ अवर स्टैंड फॉर नाउ तो जो ऑफिशियल लाइन है हमारी आंसर राइटिंग वगैरह में ऑफिशियल लाइन में जो ये चीज़ें हैं ना यू का स्टेटमेंट या फिर एक्सटर्नल अफेयर का मिनिस्टर का स्टेटमेंट या फिर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के स्टेटमेंट्स ये चीजें हमें इनकलकेट करना है राइटिंग में ओके बिकॉज दिस इज फॉर्मल चैनल देन यहाँ जो न्यूज है दिस इज इकॉनमी ग्रोज ट्वेंटी पॉइंट इन क्वार्टर वन लैग्स प्री पैंडेमिक लेवल सी लॉकडाउन हुआ इकोनॉमिक लॉकडाउन से इकोनॉमिक ग्रोथ हैम्पर हुआ तो इकोनॉमिक नंबर तो फिर से अच्छे दिख रहे हैं जैसे ट्वेंटी पॉइंट वन परसेंट का इकोनॉमी ग्रो करना मतलब एक्सेलेंट बट अटेंशन इन डिटेल कि ये जो ट्वेंटी वन पॉइंट वन परसेंट है ये चीज़ होती है बेस इफेक्ट आता है इसमें जैसे लास्ट ईयर इसी टाइम पे इकोनॉमी बहुत पिटी हुई थी तो अगर अब थोड़ा भी बेटर करती है ना तो नंबर बढ़ जाते हैं तो ये जो चीज़ होती है इसको रिलेटिवली देखना चाहिए क्रूड नंबर पे नहीं जाना चाहिए बट ओवरऑल भी सेंटिमेंट्स बेटर है हमने जितना सोचा था सेकेंड वेव से डैमेज होगा उतना हुआ नहीं जब भी इकोनॉमी की बात करते हैं तो एक टर्म आता है जीडीपी ओके जीडीपी मतलब ये कंट्री की टेरिटोरी है बाउंड्री है एक साल के अंदर फाइनल गुड्स सर्विसेज की जो वैल्यू है उसका जो समेशन होगा दैट इज जीडीपी जीवीए वर्ड तब यूज करते हैं जब हमें सेक्टर स्पेसिफिक बातें करनी होती है जैसे कोर सेक्टर में क्या ग्रोथ है या फिर एग्रीकल्चर में क्या है सर्विस में क्या है एटसेट्रा तो ग्रॉस वैल्यू एडेड 18.8 परसेंट है एन ने का जी जैसे एग्रीकल्चर ने एग्रीकल्चर सेविंग ग्रेस रहा है एग्रीकल्चर दैट इज बाय सो मच ऑफ इंपॉर्टेंस होल्ड करता है एग्रीकल्चर ने अच्छा किया डिस्पाइट लॉकडाउन एंड कोविड ऑन स्लॉट फॉरेस्ट्री फिशिंग ये जो सेक्टर है नेशनल लॉकडाउन के बाद भी ग्रो हुए थे ओवरऑल भी ये स्पिल ओवर इफेक्ट हो रहा है दूसरे सेक्टर्स भी अच्छा कर रहे हैं कोर सेक्टर का भी अभी डेटा आगे दिया है इट्स इट्स गुड गुड लुकिंग पॉइंट ये है कि रिकवरी वी शेप्ड होगी या के शेप्ड होगी के शेप्ड रिकवरी मतलब कुछ सेक्टर अच्छा करेंगे बाकी सेक्टर पिट जाएंगे वी शेप्ड रिकवरी होगी तो इससे सबको बेनिफिट होगा तभी इकोनॉमिक एडवाइजर ने बोला था चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने कि हम वी आर लुकिंग फॉर दिस वी शेप्ड रिकवरी एनएसओ ने बताया है कि अभी ऐसा क्लियर सिग्नल तो नहीं है कि इमिनेंट वी शेप्ड विक्ट्री मिलेगी इकोनॉमी स्टिल नॉट आउट ऑफ वुड्स बट ग्रीन शूट्स हैं फ्यूचर यहां पे ब्राइट नजर आ रहा है लेट अस सी वेट एंड वॉच इकोनॉमी जो चैप्टर है ना इकोनॉमी आज की डेट में बहुत फ्लूड है बहुत ज़्यादा इन डेटा वगैरह पे उलझना नहीं है सेफ़ स्ट्रैटेजी रखनी है इकोनॉमी में और सेफ स्ट्रैटेजी यही है कि इकोनॉमी की सारी टर्मिनोलॉजीज जो भी टर्मिनोलॉजीज आपको दिखती है उसका मीनिंग और ये सब आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो कि जैसे जीवीए जीवीए की डेफिनेशन क्या है जीडीपी जीडीपी की डेफिनेशन क्या है जीडीपी जीएनपी जीएनपी की डेफिनेशन क्या है जीएनपी और जीडीपी में डिफरेंस क्या होता है ये जो बेसिक बेसिक चीजें हैं ना इस पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करो ये ज्यादा हाई यिल्डिंग रहेगा बजाय दिस एंड प्रोजेक्शंस बिकॉज़ नोबडी कल क्या होगा किसी ने नहीं देखा यहां पे इकोनॉमी की स्टेटस में ओके okay? इंडिया रीच इज न्यू माइल स्टोन विद ओवर दीज मेनी जैब्स इन अ डे अगेन दिस इज अ वेरी गुड थिंग वैक्सीनेशन का वन करोड़ हमने यहाँ पे मार्क टच किया इन सिंगल डे वैक्सीनेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि वैक्सीनेशन से एटलीस्ट हॉस्पिटलाइजेशन अवॉइड होगा एटलीस्ट जो डेथ के नंबर्स हैं वो कम होंगे सो वैक्सीनेशन कराना है स्कूल्स भी ओपन हो रहे हैं तो टीचर्स ने क्या कहा कि सितंबर अभी प्राइम मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट आया है कि सितंबर एंड तक हर टीचर का एक सिंगल वैक्सीनेशन तो एटलीस्ट हो जाना चाहिए सिंगल डोज ऑफ वैक्सीनेशन सैनिटाइज की जा रही है स्कूल को क्लासरूम्स को एयरी रखने की कोशिश करेंगे वेंटिलेशन होगा स्टैगर्ड टाइमिंग होगा थर्मल स्क्रीनिंग होगा फिफ्टी परसेंट ऑक्यूपेंसी होगा ये सब पॉइंटर्स याद रखने हैं कि आपसे सवाल पूछा जाए स्कूल ओपन करना है तो एड एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आप कौन कौन सी चीजों पे ध्यान दोगे तो ये पॉइंटर्स हैं कि स्टैगर्ड टाइमिंग हो थर्मल स्क्रीनिंग हो ऑक्यूपेंसी क्या हो पेरेंट्स को कैसे इन्फॉर्म करें स्टूडेंट्स को कैसे अप्रोप्रिएट बिहेवियर सिखाएं टीचर्स को वैक्सीनेशन दें अभी जायकोव डी भी आ रही है बच्चों के लिए ट्वेल्व टू एटीन ये सारे पॉइंटर्स हैं ओके बैक टू स्कूल बिकॉज स्कूल बहुत टाइम तक हम क्लोज नहीं कर सकते हैं। ये है किन ऑफ मिलिटेंट्स ऑफर्ड एन ऑलिव ब्रांच ऑलिव ब्रांच मतलब अगर कोई गलत रास्ते पे जाता है तो उसके लिए कई बार हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि उसके पास रिफॉर्म की अपॉर्चुनिटी हमेशा अवेलेबल हो डोर्स ओपन हो जैसे कई बार यंगस्टर्स होते हैं इनको ब्रेन वॉश किया जाता है ब्रेन वॉश करके ये गलत रास्ते पे बढ़ जाते हैं कुछ टाइम बाद इनको रियलाइज होता है कि दिस वे इज रॉन्ग मेन स्ट्रीम रहना ज्यादा बेटर है मेन स्ट्रीम करियर बनाओ ये सब काम में ज्यादा ज्यादा अच्छा चांसेस है दिस इज बेटर लाइफ तो दे रियलाइज देयर मिस्टेक एंड दे वांट टू कम बैक टू दिस मेन स्ट्रीम तो ये मेन स्ट्रीम के डोर्स ओपन रखना जरूरी है तो किन ऑफ दिस मिलिटेंट्स ऑफर्ड एन ऑलिव ब्रांच ऑफिसर्स ने फैमिली से मिला फैमिली उनको कन्विंस करे यूथ को कि वेपन्स ड्रॉप करो ले डाउन देयर वेपन्स कम मेन स्ट्रीम रीचिंग आउट आर्मी एंड पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पे इंटरेक्ट कर रहे हैं फैमिली मेंबर्स ऑफ मिलिटेंट्स ऑन ट्यूसडे ताकि वो वापस सही रास्ते पे आ सके दिस इज द थिंग अब जैसे ये न्यूज आइटम है ना इसको भी आप कहीं ना कहीं यूज कर सकते हो आंसर राइटिंग या सजेशन में कि हम हम जैसे मिलिटेंसी इज अ ट्रबल मिलिटेंसी एक चैलेंज है तो इसमें हम क्या करें नक्सलिज्म में भी हम सेम स्ट्रैटेजी अपनाते हैं नक्सलिज्म को अक्सर हम बोलते हैं ड्रॉप योर वेपन ड्रॉप योर वेपन एंड कम मेन स्ट्रीम ये जो सोसाइटी है ये गवर्नमेंट है ये आप ही की तो है टू ज्वाइन दिस सोसाइटी एंड गवर्नमेंट एंड मेक दिस बेटर दिस शुड बी द मैसेज सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू ओके दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू देन ये एक और अच्छी न्यूज है ट्रिपल डिल्इट फॉर इंडिया एट टोक्यो पैरालंपिक एक्सिलेंट परफॉर्मेंस कर रहे हैं हमारे स्पोर्ट्स पर्सन यहाँ पे अभी मरियपन ने भी एक सिल्वर जीत लिया हाई जंप में एक्सीलेंट सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू यहाँ पे ट्वेंटी फोर परसेंट शॉर्टफॉल भी हुआ है ऑगस्ट रेन में सी शुरुआत में जब मॉनसून इंडिया में आया था तो हमने बोला था मॉनसून इस बार सरप्लस होगा बट सी ट्वेंटी फोर परसेंट शॉर्टफॉल रिकॉर्डेड हुआ है मॉनसून में तो जो मॉनसून की बात है मॉनसून में ओवरऑल भी डेफिसिट हो रहा है डेफिसिट हो रहा है तो विच इज़ नॉट अ गुड साइन मानसून डेफिसिट होगा तो एग्रीकल्चर पिटेगा एग्रीकल्चर पिटेगा मतलब देश की पचपन प्रतिशत जनता जो एग्रीकल्चर में लगी है वो पिटेगी और इससे इकोनॉमिक रिकवरी डिफिकल्ट हो जाएगी तो दिस इज द दिस इज़ नॉट अ गुड साइन कि मॉनसून में अगस्त रेन में ट्वेंटी फोर परसेंट शॉर्टफॉल हुआ मॉनसून में दो चीज़ें और इम्पॉर्टेंट है पहला इम्पॉर्टेंट है स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन दूसरा इम्पॉर्टेंट है टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन तो ये दोनों ही चीज़ें ट्रबल है बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज कि कहीं तो खूब पानी गिर जाता है कहीं सूखा पड़ जाता है किसी महीने खूब बारिश हो जाएगी फिर एक दो महीने ड्रॉट हो जाएगा तो स्पेटियल एंड टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो रहा है मॉनसून क्लाइमेट का सो दिस इज़ वन थिंग अब जैसे ये न्यूज़ है ये बताता है अर्बन प्लानिंग ट्रैफिक होते ही हर शहर में इस टाइप से जैम लग जाते हैं या फिर वाटर लॉगिंग हो जाती है तो अर्बन प्लानिंग में इन दोनों पैरामीटर्स को भी ध्यान रखना है ट्रैफिक और दूसरा वाटर लॉगिंग वाटर लॉगिंग और ऐसी सिविक एम्यूनिटीज बैक टू तो स्कूल स्टार्ट हुआ है अब जैसे ये न्यूज है ये बात है कि जो एन है जोन एन जोन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे करें जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी पढ़े हमने एस डी में कौन से नंबर का गोल बोलता है सस्टेनेबल सिटीज बनाना बताइए सो यहाँ एन जो है ना एन को सस्टेनेबल रखना बहुत जरूरी है बिकॉज यहाँ पे पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है क्राइम रेट बढ़ रहा है कॉम्यूट डिफिकल्ट हो जाता है देन पॉपुलेशन और अनऑर्गेनाइज वे के कारण नेचुरल डिजास्टर्स भी बढ़ रहे हैं अर्थक्वेक का भी यहाँ पे थ्रेट होता है तो अर्बन प्लानिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये एक प्लान आया है रीजनल प्लान टू ड्राफ्ट रीजनल प्लान था नेशनल कैपिटल रीजन का ये प्रपोज्ड है ड्राफ्ट है इसमें यह बताया गया कि अर्बन प्लानिंग कैसे हो कि वो सस्टेनेबल हो जैसे यहाँ पे जो लेक्स हैं वेटलैंड हैं उनको कैसे हम कंसर्न एड्रेस करें ग्रीन बेल्ट को कैसे एड्रेस करें इकोलॉजिकल बैलेंस कैसे बनाए मोन्यूमेंट्स बिकॉज दिल्ली पुराना शहर है मोन्यूमेंट्स हेरिटेज कंजर्वेशन साइट्स हैं एक बैलेंस कैसे बने कि ह्यूमन डेवलपमेंट भी हो अर्बनाइजेशन भी हो और साथ ही साथ ये जो बैलेंस है सस्टेनेबिलिटी ऑफ सिटी वो मेंटेन रहे ये कुछ पॉइंटर्स हैं इसके जो पॉइंटर्स हैं ना वो हम दिल्ली को रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी शहर से ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अर्बनाइजेशन हर साल कुछ ना कुछ पूछा गया है तो जैसे हैदराबाद का फ्लड्स हुआ बैंगलोर में ओवर पॉपुलेशन हो रही है कोलकाता में अलग प्रॉब्लम्स हो रही है स्टेगनेंट हो रहा है तो अर्बनाइजेशन में ये जो पॉइंटर्स हैं आप हर शहर में इंप्लीमेंट कर सकते हो ये पॉइंटर्स अब एनसीआर क्या होता है डिफरेंस होता है एनसीटी और एनसीआर में एनसीटी मतलब जो दिल्ली कैपिटल टेरिटोरी है सत्तर विधानसभा सीट का जहाँ चुनाव होता है एनसीआर मतलब ये आसपास के राज्य भी इसके ज़िले आ जाते हैं जैसे दिल्ली है दिल्ली में ये जो ग्रीन दिख रहा है ये दिल्ली के आसपास हरियाणा है तीन तरफ से हरियाणा है दिल्ली में यहाँ सोनीपत है फिर झज्जर है फिर गुरगांव है फिर फर फरीदाबाद है ये जिले हैं और इसके बाद और भी जिले हैं जिसको एनसीआर में काउंट किया है तो दिस इज़ हरियाणा फिर आता है यूपी दिल्ली के इस तरफ है यूपी गाजियाबाद है दिस गौतम बुद्ध नगर नोएडा है और ऊपर बागपट है तो ये जोन हो गए दिल्ली नोए दिस उत्तर प्रदेश के नीचे जो दो जिले हैं ये राजस्थान के हैं अलवर और भरतपुर तो ये जो जितने जिले दिख रहे हैं ये सब मिलके बनाते हैं एनसीआर और एनसीटी में केवल सत्तर सीटों का विधानसभा चुनाव ये डिफरेंस याद रखना है अर्बनाइजेशन में चैलेंज क्या है चैलेंज है कि एम्प्लॉयमेंट बिकॉज मास माइग्रेशन होता है बिहार यूपी राजस्थान सब लोग आते हैं दिल्ली में और फिर दिल्ली में माइग्रेशन हो रहा है एम्प्लॉयमेंट मिलता नहीं है तो चैलेंजेस बढ़ते हैं देन डिजास्टर एंड इकोनॉमिक शॉक्स भी हैं जैसे कि अभी लॉकडाउन लगा तो हमने माइग्रेंट वर्कर क्राइसिस देखा होर्स एंड होर्स ऑफ पीपल वॉकिंग डाउन बैक टू देयर विलेजेस दिस इज ऑल्सो वन प्रॉब्लम तो इकोनॉमिक इंक्लूजन जरूरी होता है दूसरा पैरामीटर होता है सोशल इंक्लूजन मतलब टेंशन आ रहे हैं इनइवालिटी हो रही है रिच तो बहुत रिच है शहर में और बाकी एक सेक्शन है जिनके पास दो वक्त का खाना भी डिफिकल्ट हो रहा है तो सोशल इंक्लूजन जरूरी है वल्नरेबिलिटी होती है बिकॉज शहर में हर टाइप के लोग आ रहे हैं डिफरेंट एथेनिसिटी माइग्रेंट हैं तो यहाँ सोशल इंक्लूजन करना जरूरी है बिकॉज सिटी ना एक मिनी इंडिया टाइप बन गया है हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री से यहाँ पे अवेलेबल है स्पेटियल इंक्लूजन भी करना है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी हो जो कॉम्यूटेशन है उसको हम ईजी करें वाटर सैनिटेशन हो पानी का जल भराव नहीं हो ये सब चीज़ें आती है तो इसको आप एक बार पढ़ना इकोनॉमिक इंक्लूजन सोशल इंक्लूजन स्पेटियल इंक्लूजन जब भी आप आंसर लिखते हो ना तो उसको हमेशा सब हेडिंग्स बनाने की हैबिट बनाइए सब हेडिंग्स मतलब जैसे आपको ये दो पॉइंट्स थे मिलते जुलते पॉइंट्स हैं इसको आपने इकोनॉमिक इंक्लूजन सब हेडिंग के अंदर रख दिया तो इसी को बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्ड आंसर कि आपने हेडिंग सब हेडिंग्स से उसको सिस्टमेटिक बना दिया है रैंडमली पॉइंट्स नहीं लिखे पहले इकोनॉमिक के पॉइंट लिखे फिर सोशल के पॉइंट लिखे फिर स्पेटियल लिखे टेक्नोलॉजी बताइए स्मार्ट सिटी मिशन है ऐसे ऑर्गेनाइज करके पॉइंट लिखेंगे ना तो वो बेटर रहता है जैसे सोसाइटी में आप क्रिएटिविटी ट्रेनिंग इंक्लूजन हो स्मार्ट सिटी में क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो वेल वेलबींग हेल्थ सेफ्टी एक बहुत बड़ा थ्रेट है स्पेशली एनसीआर रीजन में नोटोरियस है सेफ्टी वुमेन सेफ्टी के लिए एनवायरमेंट में सस्टेनेबल बिल्डिंग हो रिसोर्स मैनेजमेंट सस्टेनेबल अर्बनिज्म हो ओपन डेटा हो ताकि गवर्नमेंट्स बेटर हो इंफ्रा एडमिन ऑनलाइन सर्विसेज हो ये सब कीवर्ड्स हैं ये कीवर्ड्स दिखने चाहिए व्हेन यू स्पीक और राइट फिर इकोनॉमी में क्या करो इनोवेशन करो जैसे हैकोथान वगैरह भी हम लाते हैं सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं प्लस ग्लोबल कनेक्शंस लो बेस्ट प्रैक्टिसेस सीखें जैसे सिंगापुर कितना अच्छा शहर है वहाँ से बेस्ट प्रैक्टिसेस सीखें मोबिलिटी हो जैसे रैपिड मेट्रो आया और भी हम चीजें बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं मेट्रो एंड फीडर सर्विसेज है सी एन जी बसेज है मोबिलिटी सोसाइटी क्वालिटी ऑफ लाइफ एनवायरमेंट गवर्नमेंट इकोनमी ये पिलर्स हैं अर्बनाइजेशन के पॉलिसी रिकमेंडेशंस में क्या होना चाहिए कि सस्टेनेबल अर्बन इंफ्रा बनाए रिजाइलियंस होना चाहिए वहां पे अर्थक्वेक भी आए तो डैमेज नहीं हो जापान से हम सीख सकते हैं सेंडाई नेट सेंडाई फ्रेमवर्क देन लीगल डॉक्यूमेंटेशन भी हो माइग्रेंट का ताकि उनको चैलेंजेस नहीं हो कैपेसिटी बिल्डिंग करें फाइनेंसिंग फॉर अर्बन डेवलपमेंट अब ये इतने सारे पॉइंटर्स है ना इससे आप बड़ा अच्छा आंसर प्रिपेयर कर सकते हो अर्बन प्लानिंग का सो प्रिपेयर अ नोट ऑन द अर्बन प्लानिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सिटी तो पहले तो अर्बन प्लानिंग पे क्या होता है आप क्या समझ है आपकी अर्बन प्लानिंग से ये बताइए फिर आप बताइए सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडियन सिटीज़ का क्यों होना जरूरी है कुछ एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं जैसे अभी हैदराबाद का फ्लड है चेन्नई का फ्लड है है ना सस्टेनेबल होना जरूरी है तो ये पहला पार्ट हुआ दूसरे पार्ट में सजेस्ट सम डूज एंड डोंट्स टू मेक अवर सिटीज लिवेबल शहरों को रहने लायक बनाने के लिए आप क्या सजेशन देना चाहते हो तो दो पार्ट है दोनों पार्ट को एड्रेस करना है ट्राई टू फ्रेम योर आंसर इन सच मैनर ओके अब ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि केवल यही सही होगा नो यू हैव योर क्रिएटिविटी प्रश्न आपने पढ़ा इससे आप सिलेबस को लिंक करो और जो भी आपने स्टैटिक पार्ट पढ़ा है उस पर करंट अफेयर्स पढ़ा है सारे टैंप्लेट्स यहाँ पे करके एक ब्यूटीफुल आंसर प्रिपेयर करो दिस इज द वे ओके सो ये पहला सवाल है देन यहाँ पे जो बात है रीडर्स दिस एडिटोरियल में बिफोर दैट जैसे ग्रीन कॉरिडोर्स हैं फ्लोटिंग वाटर ड्रोनस होने चाहिए एन को स्मार्ट मोबिलिटी की तरफ बढ़ना है स्मार्ट मोबिलिटी रिमेंबर दिस की अब जैसे स्टूडेंट्स हैं गैजेट्स के थ्रू ऐसे उनको एग्जाम घर पे ही लिखने को बोला जा रहा है ऑनलाइन टेस्ट ये क्या है ये है मेरीन बे मेरीन ड्राइव है मुंबई में रेनी डे अब आता है एडिटोरियल फर्स्ट एडिटोरियल इज अबाउट अफगानिस्तान अफगानिस्तान में ये जो डेवलपमेंट हुआ लास्ट टू वीक्स में इसको विक्ट्री बोला जाए या डिफीट बोला जाए रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म जो बढ़ेगा दिस इज़ नॉट एट ऑल राइट फॉर वर्ल्ड मिलिटेंसी अगर बढ़ेगी अफगानिस्तान में तो वो वर्ल्ड के लिए सही नहीं है इवन वो काउंटर प्रोडक्टिव रहेगा पाकिस्तान के लिए भी जियो पोलिटिकल इम्प्लीकेशन ऑफ द तालिबान विक्ट्री आर स्टिल अनकलीयर दैट इज बाय हम अभी इतने टाइट लिप है कि क्या होगा वी डोंट नो लेट इज वेट रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म और मिलिटेंसी कैन हेल्प वन कंट्री ट्रैक्टिकली बट विल बी काउंटर प्रोडक्टिव इन द लॉन्ग टर्म हिस्ट्री उठा के देखते हैं जहाँ भी रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म आया जहाँ भी मिलीटेंसी आया तो वर्ल्ड का डैमेज तो हुआ बट जिस जगह पर यह आया ना उसका ज्यादा डैमेज होता है काउंटर प्रोडक्टिव होती है ये स्ट्रैटेजी हमेशा लॉन्ग टर्म में सो दैट इज वाई वी नीड टू बी वाइजर देन दिस इज फॉर द रिकॉर्ड ये सेकेंड एडिटोरियल है ये एडिटोरियल है जोकोविक का जोकोविक से अभी जैसे एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि वो अभी ओलंपिक्स में भी जीतेगा बट मेडल भी नहीं आया प्रेशर फॉर द रिकॉर्ड अब देखते हैं यूएस ओपन में क्या होता है जोकोविक एक हिस्ट्री रिपीट कर सकता है स्क्रिप्ट लिख सकता है हिस्ट्री की जब कैलेंडर ग्लैंड स्लैम उसने अभी कवर किए कैलेंडर ग्लैंड स्लैम मतलब जैसे पहले ऑस्ट्रेलियन होता है फिर फ्रेंच फिर विंबलडन फिर यूएस तो ये तीन तो जीत चुका है अगर यूएस भी जीत जाएगा तो ये कैलेंडर कंप्लीट हो जाएगा अगर ओलंपिक्स भी जीत जाता तो वो गोल्डन ईयर हो जाता उसके लिए बट ओलंपिक्स नहीं जीता बट कैलेंडर अभी भी कंप्लीट कर सकता है जोकोविक की जो स्ट्रेंथ है ना वो है इसकी टेनेसिटी जब भी जैसे फाइव सेटर्स होते हैं ना विम्बलडन ये जो होते हैं ग्रैंड स्लैम्स ये फाइव सेट्स होते हैं तो जोकोविक एक तो थकता नहीं है जितना गेम लंबा खिंचता है जोकोविक उतना ही स्ट्रांग होता जाता है यूजुअली फोर्थ और फिफ्थ सेट में टेनेसिटी और इसलिए उसने अपनी जैसे मेंटल फिजिक में काफ़ी वर्कआउट किया है फिजिक उसकी बहुत स्ट्रांग है ये चीज उसको हेल्प करती है फॉर द रिकॉर्ड लेट एस सी द नेक्स्ट स्टेप इन डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिकुशन इज ओवर ड्यू नौ सी वट इज द मीनिंग ऑफ इवोल्यूशन इवोल्यूशन मतलब हम इवॉल्व होते हैं आज से एक साल पहले आप जो थे जरूरी नहीं आज भी आप वैसे ही हो यू इवॉल्व इवॉल्व हुए फॉर बेटर सो डेमोक्रेसी में भी इवोल्यूशन होना चाहिए जैसे हम क्यों बात करते हैं जैसे रिलीजन है रिलीजन में क्यों रिफॉर्म जरूरी है बिकॉज इवोल्यूशन होना चाहिए अदरवाइज स्टेगनेंट वाटर स्टिंग्स तो डेमोक्रेसी में भी इवोल्यूशन होना चाहिए इंडिया मस्ट चेंज फ्रॉम अ डार्कनिंग इलेक्टेड ऑथोरिटेरियनिज्म टू बिल्डिंग इंस्टीट्यूशन फॉर सिटीजन और जहाँ पर इंक्लूसिव गवर्नेंस हो गवर्नेस टेक्नोलॉजी आ रही है इंक्लूजन बढ़ना चाहिए डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं होता है कि आपने टाइम पे चुनाव करा दिए टाइम पे बॉडीज बन गई इंस्टीट्यूशन हो रहा है एटसेट्रा नो डेमोक्रेसी का डीपर मीनिंग होता है पार्टिसिपेशन पीपल का पार्टिसिपेशन हेल्दी डेमोक्रेसी में सिटीजन पार्टिसिपेशन ज़रूरी है सिटीजन क्या चाहते हैं बिकॉज डेमोक्रेसी की डेफिनेशन ही यही है ऑफ द गवर्नमेंट बाय द गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल तो सिटीजन पार्टिसिपेशन इज ज़रूरी वॉट दे वॉन्ट पॉलिसीज़ में लॉ मेकिंग में तो जो गवर्नड है उनका विल होना जरूरी है बिकॉज दिस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बॉडी स्ट्रक्चर जो है यहाँ इन्होंने इसको रिलेट किया है बॉडी से जैसे हमारी बोन्स हैं बोन्स एक बॉडी का स्ट्रक्चर बना देती है फिर वाइटल ऑर्गन्स होते हैं इंस्टीट्यूशन होते हैं जो उसको परफॉर्म करते हैं तो बॉडी तभी फंक्शन करती है जब हर पार्ट हर वाइटल फंक्शन अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरीज में क्लाइमेट चेंज है हिस्टोरिकल इनिक्विटीज हैं इकोनॉमिक इनकोलिटी बढ़ रही है वॉयलेंस बढ़ता जा रहा है सेक्टेरियनिज्म बढ़ता जा रहा है और ज्यादा एंगर ही होते जा रहे हैं पीपल जब से ये आई और दिस इंटरनेट एज आई है सोशल मीडिया में तो एवरीबडी इज सो एंग्री सो द पॉइंट इज इन सब चीजों को एड्रेस करना जरूरी है कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन असेंबली केवल ये बेयर मिनिमम है बट दिस इज नॉट एवरीथिंग फॉर अ फंक्शनिंग एंड हेल्दी डेमोक्रेसी डायलॉग्स होना जरूरी है जो फिशर्स हैं उसको कम करना जरूरी है जो मीडिया है मीडिया टीआरपी के लिए व्यूज के लिए कैन गो टू एनी लेंथ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी यहाँ इंश्योर कराना ज़रूरी है कंसेंट ऑफ द गवर्न इज अबाउट मोर देन पीरियोडिक इलेक्शन और रेफरेंडम पीरियॉडिक इलेक्शन तो ठीक है हमने सत्रहवीं लोकसभा अभी चल रही है हर बार टाइम पे इलेक्शन हुआ हर बार स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर हुआ बट गवर्न जो है उनकी एस्पायरेशन भी यहाँ पे शोकेज होना जरूरी है द टाइम हैज कम टू लर्न टू लिसन वेल लिसन और साइलेंट ये दोनों वर्ड्स है ना सेम लेटर से बने ल नॉट जस्ट स्पीक जवाब देने के लिए नहीं सुने समझने के लिए सुने कि क्या बोलना चाह रहे हैं एंड टू कंडक्ट डायलॉग्स डायलॉग्स क्या होते हैं टू एंड थ्रो कॉम्युनिकेशन कंडक्ट डायलॉग्स डिबेट नहीं करना है डिबेट नहीं करना है अननेसेसरी आर्ग्यूमेंटेटिव डिबेट नहीं वॉयेंट डिबेट नहीं डायलॉग्स होने चाहिए एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होना चाहिए सिटीजन पार्टिसिपेशन जरूरी है सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया है द वर्ल्ड्स मोस्ट रिचली डाइवर्स नेशन है जो कि हम हैं ये बढ़ेगा अगर हम इन सब चीज़ों को मानेंगे मोनोकल्चर तो नेचर को भी पसंद नहीं है सब एक जैसे हो जाएंगे तो इट्स वेरी बोरिंग मोनोकल्चर ऑफ थॉट कैन बी एज स्टराइल एज मोनोकल्चर इन नेचर डाइवर्सिटी अच्छी बात होती है कंपोजिशन ऑफ पार्टिसिपेंट्स डाइवर्स है तो कॉम्प्लेक्स इशू का बेटर सॉल्यूशन आएगा नए इंसाइट्स आएंगे पर डाइवर्सिटी का मतलब ये नहीं है कि सब आपस में लड़ रहे हैं सब अपना नैरो सेक्टेरियन माइंडसेट से अपने बेनिफिट्स के लिए दे आर फाइटिंग विद ईच अदर इस इन फाइटिंग से तो और प्रोग्रेस हैम्पर होती है ये चीज़ डेमोक्रेसी को डिफीट करती है सो दैट इज़ वाई डायलॉग्स होने चाहिए बजाय डिबेट्स के डायलॉग और वो भी कंडक्टिव कंजूजिव एटमोसफेयर एंड मैनर में होना चाहिए सो so ये बातें हैं डेमोक्रेसी में इस आर्टिकल को एक बार आप फिर से पढ़ना कुछ बहुत अच्छे फॉर्डर पॉइंट में डेमोक्रेसी रिलेटेड आंसर लिखने में हेल्प करेंगे सवाल है, कुछ पांच दस पॉइंट बताओ डेमोक्रेसी के क्या होते हैं आइडेंटिफाई चैलेंजेस अब कुछ पांच दस चैलेंजेस बताओ किस कॉन्टेक्स्ट में मॉडर्न डे डेमोक्रेसी जैसे यूएसए में हमने देखा था कैपिटॉल में जो मास पब्लिक का अटैक हुआ था तो मॉडर्न डे डेमोक्रेसी में क्या चैलेंजेस हैं और जिससे वो बैटल कर रही है और चौथा पार्ट है एक वे फॉरवर्ड भी बताओ कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है देखिए हम डेमोक्रेसी को सब हम सपोर्ट करते हैं तो हमें ऐसा नहीं करना है कि हम एंटी डेमोक्रेटिक यहाँ पे स्टैंड ले लें नो डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस अमंग ऑल अदर फॉर्म्स जो वर्ल्ड ने अभी तक ट्राई किए है इसमें जो फ्लॉज हैं वो भी अंडरस्टूड है उन फ्लॉज को हमें करेक्ट करना है दिस शुड बी द वे फॉरवर्ड ओके So try this question. Making out a case for propping up the middle class. अब यहाँ बात लिखा है middle class का See जैसे जो rich होते हैं इनको तो usually इतनी problems होती नहीं है जो पुअर होता है तो हमारी सारी पॉलिसीज जो होती है ना वो पुअर की तरफ डायरेक्टेड होती है पुअर का वेलफेयर हो गरीब का कल्याण हो गरीब के लिए ये करो वो करो तो रिच जो होते हैं रिच safeguard हो जाते हैं पुअर भी सेफ हो जाते हैं इनके बीच में जो आता है मिडिल क्लास मिडिल क्लास मतलब वो अमीर भी नहीं है वो गरीब भी नहीं है बीच में अटक जाते हैं इनका अक्सर इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया है यहाँ पे जब से कोविड नाइन्टीन हुआ तो इट इज़ पॉइंट कि जो मिडिल क्लास है हम इसको भी निगलेक्ट नहीं करें इनके भी जो चैलेंजेस हैं उसको एड्रेस करें इट्स टाइम टू बिल्ड ब्रिक्स बेटर ब्रिक्स बेटर ब्रिक्स क्या है ब्राज़ील रशिया इंडिया चाइना और साउथ अफ्रीका तो ये जो भी कंट्रीज़ हैं ये सब कंट्रीज़ ने ब्रिक्स बनाया अभी इसका जो सेशन है वो होने वाला है इंडिया में डिजिटल होगा कोविड नाइन्टीन के बैकड्रॉप में इट इज़ टाइम टू बिल्ड ब्रिक्स बेटर बिकॉज ये जो नेशंस है ना इनके एस्पायरेशन भी कॉमन है चैलेंजेस भी कॉमन है ये सब बहुत ज्यादा डेवलप्ड एंड प्रॉस्परस में भी नहीं है तो कॉमन फ्रंट ये प्रेजेंट कर सकते हैं एस्पायरिंग इकोनॉमीज ब्रिक्स देन यहां पे जरूरी है जैसे थर्टिंथ ब्रिक्स समिट जो होगा वो अभी इंडिया में होगा नोट डाउन दिस डेटा इट रिप्रेजेंट्स 42 टू परसेंट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ब्रिक्स जब भी वर्ल्ड आए ना तो आप शुरुआत इससे कर दो कि 42 परसेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन है 30 परसेंट लैंड एरिया है 24 परसेंट ग्लोबल जीडीपी है 16 परसेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है फर्स्ट लाइन ही आपने इतना इम्प्रेसिव लिख दिया इट विल सेट द टोन सेट द टोन ऑफ योर आंसर ओके सो दिस इज ब्रिक्स अब ब्रिक्स में जो यहाँ सजेशन दिए हैं वो चार सजेशन दिए हैं पहला सजेशन तो ये है कि यू में भी रिफॉर्म्स चाहिए जैसे डेमोक्रेसी में रिफॉर्म्स चाहिए रिलीजन में रिफॉर्म्स चाहिए ऐसे यू में भी रिफॉर्म्स चाहिए रिफॉर्म्स चाहिए यूनाइटेड नेशंस में वर्ल्ड बैंक में आई में डब्लू में डब्ल्यू में क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूशनस है ना ये भी कब के ज़माने के उन्नीस समथिंग की थीम है जो वर्ल्ड वॉर टू में चैंपियंस बने थे ना जो कंट्रीज़ उन्होंने ये सारे इंस्टीट्यूशंस अपने फ़ायदे के हिसाब से डिजाइन कर लिए गए थे बट 2021 में वर्ल्ड चेंज हो गया है तो इन इंस्टीट्यूशंस में भी रिफॉर्म्स जरूरी है तो पहला पॉइंट तो ये हुआ दूसरा पॉइंट सबसे बड़ा जो ट्रबल है वर्ल्ड चैलेंज फेस कर रहा है वो है टेररिज्म का तो ये जो टेररिज्म है ना इस टेररिज्म को रूट आउट करना बहुत जरूरी है एलिमिनेट करना बहुत जरूरी है प्रमोट करें टेक्नोलॉजिकल और डिजिटल सॉल्यूशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और एक्सपेंड करें पीपल टू पीपल कोऑपरेशन ये चीजें भी ध्यान देना है तो ये चार बातें यहां पे लिखी है वन टू थ्री एंड दिस इज फोर कोविड नाइनटीन का बैटल है तो ये भी जरूरी है कोविड के कॉन्टेक्स्ट में ये सारी डिजाइन हो एक सवाल आया था प्रिलम्स में कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है आंसर इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है एन डी बी का ओके एक ए आई आई बी भी है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये भी बताइए मेकिंग द पैरालम्पिक्स काउंट अब पैरालंपिक्स में बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं चांस टू इम्प्रूव द कंडीशंस फॉर द डिसबल्ड स्पोर्ट्स रिफ्रेश द वे व्यू डिसेबिलिटी ये जो नजरिया है ना ये बदलना जरूरी है डिसेबल वर्ड ही एक्चुअली दे आर इक्वली एबल दे आर इक्वली एबल जस्ट लाइक अदर परसन इन समर इन समर कॉन्टेक्स्ट, इन सम कॉन्टेक्स्ट, तो देखिए पैरालंपिक्स में भी ये बता रहा है उनका विल पावर उनका एस्पायरेशन देर डूइंग सो वेल तो इसको भी रिकॉग्निशन देना जरूरी है बाकी जो डिसेबिलिटी टॉपिक है जो सिलेबस में दिया है सोसाइटी में ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसका भी एक पी डी एफ आई शेयर इंड टेलीग्राम है कि इंडिया ने कौन कौन सी स्कीम्स लिया था इस सेक्शन को बेनिफिट्स प्रोवाइड करने के लिए प्लस इसका जो मैंडेट है वो भी हाल ही में ब्रॉडन हुआ है मतलब बहुत सारी डिसेबिलिटीज को हमने इसमें काउंटिंग करा है इस कैटेगरी में है लो दिस इज मैनेजिंग नेचुरल रिसोर्सेज ये बात है मेघालय में मेघालय में जैसे मोहसिन राम चेरा पूंजी फर्स्ट इंप्रेशन ये आता है यहाँ तो पानी ही पानी है इतनी बारिश गिर रही है बट द ट्रूथ इज यहाँ पे भी ड्रॉट लाइक सिचुएशन है बिकॉज इनकमिंग इज गुड बट आउट गोइंग इज ऑल्सो देर दे आर नॉट कंजर्विंग वाटर तो वाटर कंजर्वेशन में लोकल पॉपुलेशन का वर्क क्रैक्स इन द ग्लास सीलिंग ग्लास सीलिंग मतलब एक इनविजिबल एक ऊपर ऐसी लेयर बन गई है तो अक्सर जो विमेन वर्क आती भी है कॉर्पोरेट्स में भी देखना वो एक पोस्ट के बाद ऊपर उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती एक मतलब ग्लास सीलिंग आ गई है इसको तोड़ के वो और टॉप लेवल पोजीशन पे नहीं पहुंच पाते तो ये क्रैक्स इन द ग्लास सीलिंग है जो कोर्ट में अभी देखने को मिला सुप्रीम कोर्ट में तीन विमेन जजेस अभी अपॉइंट हुए पॉसिबली पॉसिबली आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बन सकते हैं दो में तो ये ग्लास सीलिंग टूटेगी अगर जस्टिस की बात करें तो 1989 में पहली जो जज बनी थी वो बनी थी जस्टिस एम फातिमा बीवी अब फर्स्ट जज बने थे सुप्रीम कोर्ट के तो रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे बेटर हो रहा है विच इज गुड अभी ये लेटेस्ट तीन और अपॉइंटमेंट हुए हैं 2021 में ये लिस्ट है जो वुमेन जजेस बने हैं सुप्रीम कोर्ट में ओके तो रिप्रेजेंटेशन जरूरी है दूसरी चीज़ है पार्लियामेंट में भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए जैसे ग्रास रूट लेवल पे तो हमने थर्टी थ्री परसेंट रिजर्वेशन रखा है विमेन का पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटी में ये हमने विधानसभा और फिर संसद में क्यों नहीं किया इस बात पे भी सवाल उठते हैं देन दिस इज डिसिप्लिन बहुत जरूरी है लॉ मेकरस में भी होना चाहिए वोटर्स आइडेंटिफाई करें कि डिसरप्टर्स कौन है आप इनका कंडक्ट देखो राज्यसभा टीवी वगैरह में ये इन लोगों को हमने चुन के भेजा है डिसरप्टर्स नेम एंड शेम देम ऐसा वेंकैया जी बोल रहे हैं अफगानिस्तान का मेंबरशिप अब सार्क में भी है अफगानिस्तान अब अफगानिस्तान तालिबान ऑफिशियल बनेगा तो वो सार्क में भी आएगा लेटेस्ट सी क्या होता है देन नाइन जजेस बने आई एम डी फोरकास्ट फॉइल्ड गलत हो गया आई एम डी का फोरकास्ट ट्वेंटी फोर परसेंट रेन का शॉर्टफॉल हुआ है स्कूल स्टाफ को सेप्टेम्बर थर्टी तक वैक्सीनेशन देना है चाइना ना इंडियन ओशन का एक्सेस जाता है तो इसीलिए चाइना को इतना इंटरेस्ट आता है पाकिस्तान में ताकि वो पाकिस्तान के थ्रू यहाँ अरेबियन सी में आ जाए सेकेंड इंटरेस्ट आ रहा है उसे यहाँ पे यंगून म्यांमार म्यांमार में भी गवर्नमेंट टॉपल हुआ मिलिट्री गवर्नमेंट ज़्यादा क्लोज है चाइना के साथ तो चाइना ओपन फर्स्ट रोड रेल ट्रांसपोर्ट लिंक टू इंडियन ओशन लॉजिस्टिक्स लाइन होगा सिंगापुर म्यांमार चाइना का तो दिस इज वन थिंग एक्चुअली चाइना का ये साउथ चाइना सी देखा था ना यहाँ पे टेंशन है फिर स्ट्रेट ऑफ मलक्का है ये अंडमान निकोबार के पास में तो इंडिया जब चाहे इसको चोक कर सकता है तो चाइना इस बात से वरिड रहता है तो चाइना नए नए एवेन्यूज ढूंढ रहा है एक जैसे यंगून हो गया दूसरा पाकिस्तान में यहाँ पे पोर्ट डेवलप कर रहा है कल जो आपने सवाल तैयार किया स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पूरा इंडियन ओशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है दैन दिस इज़ पश्तून और दिस इज कोर सेक्टर सी नाइन पॉइंट फोर परसेंट ग्रोथ लॉक किया गुड चिप शॉर्टेज हो रहा है ताइवान चिप मैनुफैक्चरिंग करता है तो इससे जो ऑटोमोबाइल है इनका भी मैनुफैक्चरिंग स्लो डाउन हुआ है ओवरसीज सेटलमेंट जी सेक ओपन हो जाएगा तो इससे इन्वेस्टर बेस बढ़ेगा बाहर के इन्वेस्टर बेस बढ़ेगा फिजिकल डेफिसिट ट्वेंटी वन पॉइंट थ्री परसेंट ऑफ टारगेट हो गया है मतलब खर्चे बहुत कर दिए और आमदनी हुई नहीं बैंक क्रेडिट टू नॉन फूड सेक्टर सिक्स पॉइंट टू परसेंट हुआ है पेयू ने बिल्डेस्क ले लिया फोक्स वैगन प्राइज बढ़ा रहा है ये हमारे हाई जंपर्स हैं पैराल्पिक्स में एक्सेलेंट परफॉर्मेंस ओके सो दिस इज द हिंदू अभी इंडियन एक्सप्रेस में आते हैं तालिबान लेटे ऑफिशियल कॉन्टैक्ट स्टार्ट हो गया है कॉन्वर्जेसन हो रहा है तालिबान के साथ देन जी के नंबर हैं प्री कोविड लेवल बट एक्चुअल नंबर में देखो ट्वेंटी पॉइंट वन बिकॉज इसमें बेस इफेक्ट का इम्पैक्ट है दैन दिस इज द सिटी ये हमारे शहर हैं वॉटर लॉकडोर है एंड वाई टॉप कोर्ट ऑर्डर डिमोलिशन ऑफ द टॉवर ये टॉवर्स हैं टाइमली कम्प्लीट नहीं हो रहे थे इरेग्यूलरिटी हो रही थी दिस इज ओपनिंग टूडे स्कूल आर ओपनिंग ये जजेज हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमन्ना साहब हैं और ऐसे जजेज ने न्यू जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ओथ लिया अभी नंबर ऑफ जजेज कितने हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आंसर नंबर कितना है इसका वॉयलेंस इन नेम ऑफ प्रोटेस्ट इज रॉन्ग वैंडलिजम इज़ वेरी रॉन्ग और दिस इज टॉप आर्मी पुलिस ऑफिसर्स ने फैमिली से मीट किया डीजल प्राइस एंड डीप सी फिशरमैन को भी दे आर फीलिंग हीट बिकॉज फ्यूल प्राइस बढ़ गया है एंगेज करें तालिबान से या नहीं करें स्ट्रैटेजिक पेशेंस कितना हम रखें देखते हैं टर्म्स ऑफ रिकवरी प्राइवेट कंजम्पन इन्वेस्टमेंट अभी भी नहीं हो रहा है ये ज़रूरी है जब तक प्राइवेट सेक्टर भी फुल्ली एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा इकोनमी में केवल गवर्नमेंट ओन्ड रिकवरी हो रही है तो वो सस्टेन नहीं हो पाएगी लॉस्ट लेसन है स्कूल्स और जो चिल्ड्रन है ना लर्निंग हमें एन्जॉएबल बनानी चाहिए हैप्पियर स्कूल होना चाहिए क्योंकि ये एक लॉ भी है लाइफ में भी आप देखना जो हैप्पी लोग होते हैं ना वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं जो हेल्दी होते हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं तो हैप्पीनेस और हेल्थ हमारी प्रायोरिटी रहनी चाहिए सक्सेस अपने आप मिलेगी बच्चों में भी हैप्पियर स्कूल्स बनाए समग्र शिक्षा अभियान यही बोलता है कि लर्निंग इक्विटेबल हो और जॉयफुल हो टॉर्चर नहीं हो हमारे यहाँ क्या कल्चर बन गया है कि हम शेम करते हैं बच्चों को शेम करते हो तुमको ये नहीं आता ये नहीं आता ऐसा नहीं है वो नहीं है ये गलत बात है शेम करने के बजाय उनको एनकरेज करना चाहिए एवरी चाइल्ड इज स्पेशल उसका जो यूनिक टैलेंट है उसको एनकरेज करना चाहिए सो so दैट वो इक्विटेबल भी हो इक्विटेबल मतलब जिस चाइल्ड की जो रिक्वायरमेंट है उसको वो प्रोवाइड करो सबको एक ही सारी उंगलियां एक जैसी नहीं होती सबको एक एक पैरामीटर में नहीं देखना चाहिए इक्विटेबल एंड जॉयफुल बनाना ज़रूरी है तो जॉय रखें हर स्टेज में एस्पेक्ट ऑफ स्कूल एजुकेशन में सपोर्ट दें पार्टिसिपेट करें स्टेक होल्डर सारे इस वे फॉरवर्ड में ये रैट रेस नहीं बनाए ये रोबोट नहीं बनाए ये चीज क्या करेगी एम कर देगी इन्हें थोड़े ही टाइम पे इमोशनल हेल्थ डेवलप करना भी जरूरी है हैप्पियर स्कूल ऑलराउंड डेवलपमेंट नो प्रेज प्लीज दिस इज ऑल्सो वन थिंग साइको फेंसी अक्सर जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं ना जैसे किसी का सेलेक्शन होता है उसको सब आसमान में बैठा लेते हैं साइकोफेंसी तभी से चालू हो जाती है फिर जैसे जैसे सिविल सर्वेंट्स का करियर बढ़ता है हर जगह बस साइकोफेंट्स मिलते हैं तो क्या होता है सिविल सर्वेंट्स जो भी बनते हैं ये दूर हो जाते हैं ग्राउंड रियालिटी से ये एक बबल में जीने लग जाते हैं साइको फेंसी तो साइको फेंसी इज नॉट राइट किसी भी पब्लिक सर्विस में हाउ डू वी हाउ वी लुक बैक मैटर्स दिस इज अबाउट पार्टी एग्जीक्यूशन बहुत महंगा पड़ा अफगानिस्तान वॉर यूएसए को, को. यह भारत सीरीज के नए नंबर है पहले क्या होता था जैसे आप राजस्थान से हो दिल्ली जाओगे तो आपकी गाड़ी का नंबर चेंज वेंज बहुत सारा ट्रबल था तो ये बी एच सीरीज के नए नंबर मिलेंगे व्हीकल रजिस्ट्रेशन ये ऐसा कुछ दिखेगा बी एच दिस ऑल ओवर इंडिया आप इसको चला सकते हो सारे आर टी ओ कनेक्टेड होंगे गुड देन एविएशन इंडस्ट्री है सो दिस इज द हिंदू द इंडियन एक्सप्रेस अभी हम बात करते हैं मैप में अब देखिए ये इंडिया है इंडिया में जो रिसोर्सेज हैं वाटर जनरेट हो रहा है कलेक्ट हो रहा है तो वाटर की प्रॉपर्टी होती है ये हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल एनर्जी फ्लो करता है तो जहाँ हाइट है हाइट है मतलब पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है तो वहाँ से वो लोअर हाइट की तरफ लोअर एल्टीट्यूड की तरफ ऐसे फ्लो करेगा दिस इज़ प्रॉपर्टी तो पूरा जो इंडिया है ना ये एक पेननसुल्ला है दिस इज पैननसुल्ला बिकॉज तीन साइड से सी है इसका जो स्लोप है ना वो ऐसा है ऐसा है स्लोप ये जो प्लेन बना है और पेननसुल्ला है इसका स्लोप इधर है तो इसके कारण मैक्सिमम रिवर अपना डिस्चार्ज करती है वाटर बे ऑफ बंगाल में ये है वाटर डिवाइड ये वाटर डिवाइड है इसके लेफ्ट साइड की जो रिवर्स हैं वो इधर अरेबियन सी में जा रही है राइट साइड की है बे ऑफ बंगाल में जा रही है तो दिस इज अ वाटर डिवाइड ये पूरा वाटर डिवाइड है दो एक्सेप्शन है नर्मदा और तापी बिकॉज ये यहाँ पे रिफ्ट वैली में फंस जाती हैं तो ये ड्रेन करती है खम्बात की खाड़ी में तो ये सारी रिवर्स हैं ओके रिवर्स में भी दो सोर्सेज हैं एक तो वेस्टर्न घाट की रिवर्स आती हैं दूसरा आती है हिमालयन की रिवर्स तो ये हिमालयन रिवर्स हैं और ये पेनन्सुलर रिवर्स हैं बेसिकली वेस्टर्न घाट की रिवर्स है ओरिजिनेट हो रही है तो पानी यहाँ हाइट पे ओरिजिनेट हुआ पानी नीचे की तरफ बहेगा और कंटिन्यूस जो फ्लो बन गया तो इसी को रिवर बोलते हैं एक रिवर है जैसे इंडस रिवर है है ना ये जो टॉपिक लिया है ये इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट क्लास 11th की बुक है बड़ी अच्छी बुक है रिवर से हर साल एक सवाल आता है और हर सवाल इस बुक से सॉल्व हो जाता है इतना पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है दस साल का हर सवाल इस बुक से सॉल्व हुआ है इस एक चैप्टर को पढ़ लो कम से कम दो सवाल आपके करेक्ट होंगे ओके तो ये इंडस रिवर है राइट देन इंडस रिवर की फिर ये ट्रिब्यूटरी है जेलम चेनाब रावी सतलज दैट इज वाई इसको पंजाब बोला जाता था पांच रिवर यहाँ लूनी रिवर है ये लूनी रिवर है ये साबरमती है ये माही रिवर है ओके फिर ये दो इंपॉर्टेंट रिवर है एक तो गंगा और गंगा के नीचे यमुना तो यमुना सेंट्रल इंडिया की सारी रिवर्स का पानी कलेक्ट कर लेगी और उसको पहुंचा देगी गंगा में फिर गंगा में भी जैसे रिवर ऐसे जा रही है तो रिवर का लेफ्ट क्या हुआ ये लेफ्ट हुआ ये राइट हुआ तो जो राइट से पानी आ रहा है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी लेफ्ट से आ रहा है वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी तो ये घाघरा गंडक कोसी ऐसे ट्रिब्यूटरीज आएंगी और फिर ये यहाँ पे गंगा रिवर भी बाइफरकेट होगी एक बांग्लादेश और दूसरी हुगली और ये रिवर रिवराइन पोर्ट वेस्ट बंगाल सिमिलरली दिस इज ब्रह्मपुत्र ये दिहांग और लोहित रिवर बनके बना रही है ब्रह्मपुत्र और ये वैली है तभी यहाँ पे बाढ़ भी बहुत आती है ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन हुआ है सेंगपो यहाँ से तीन रिवर्स निकली है यहाँ से एक तो सैंगपो रिवर दूसरी इंडस और तीसरी सतलज फिर ये पैनन्सुला स्टार्ट हो जाता है नर्मदा तापी महानदी पेनगंगा गोदावरी ये इंपॉर्टेंट है गोदावरी रिवर कृष्णा रिवर तुंगभद्रा एंड कावेरी सवाल क्या आते हैं सवाल आते हैं या तो ट्रिब्यूटरीज़ के आते हैं ट्रिब्यूटरी मतलब मेन रिवर में जो पानी ला ट्रिब्यूट दे रही है डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब जो ओशन के पास आके पानी ओशन में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है तो ट्रिब्यूटरीज आते हैं और कौन सी रिवर कहाँ ओरिजिनेट हुआ है इस टाइप के जस्ट गो थ्रू दिस थर्ड चैप्टर वंस हर टाइप का सवाल सही हो जाएगा ओके दिस इज रिवर्स सी सेट है जो टेनिंग वर्ड है वो इससे नहीं बनेगा कैलकुलेटिंग से यहाँ बात है पहला दो है इसका एवरेज तीन आया फिर एक पाँच तीन हो गया नौ इसका एवरेज फिर तीन आ गया बिकॉज डिवाइडेड बाय तीन हो जाएगा फिर बारह हो गया बारह डिवाइडेड बाय चार फिर तीन हो गया तीन तो ये कॉन्स्टेंट बन गया है एवरेज तीन

फर्दर ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न वॉक थ्री हंड्रेड यार्ड्स तो फाइनली वो किस डायरेक्शन में है फ्रॉम इस ओरिजिनल पोजिशन एक एक लाइन पढ़ो उसको ऐसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में जोड़ते जाओ ड्रॉ करते जाओ ऐसे ऐसे करके यू विल गेट द आंसर और जहाँ डिस्टेंस निकालनी है पैथागो रस लगा दो मैन इज फेसिंग टू वर्ड्स द ईस्ट टू सेवेंटी डिग्री क्लॉक वाइज हुआ ये क्लॉक वाइज है ये एंटी क्लॉक वाइज है राइट right टर्न लिया फिर नाइन्टी डिग्री एंटी क्लॉक वाइज लिया अब किस डायरेक्शन में बताइए मैंने 20 मीटर वॉक किया टूवर्ड्स नॉर्थ फिर राइट right किया फिर वॉक तीन मीटर किया फिर लेफ्ट किया फिर चार मीटर वॉक किया फिर चार मीटर ईस्ट गया अब आप बताओ कि हाउ फार अब इसमें देखना सब नब्बे नब्बे डिग्री हो रहा है पाथोगर्स लगाओगे तो आपको डिस्टेंस आ जाएगी हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज फ्रॉम इनिशियल पोजिशन सो दीज आर थ्री क्वेश्चन फॉर टूडे ओके ये सी सेट सोल्यूशन है ये मेजर रिवर्स हैं ओके दिस इज चाइना स सीलिंग ब्रिक्स इज इंपोर्टेंट प्रिपेयर दिस टॉपिक डेमोक्रेसी चैलेंजेस अर्बन प्लानिंग पे भी एक सवाल तैयार करिए ओके सो दिस इज फर्स्ट ऑफ सेप्टेंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक केयर स्टडी वाल एंड बी सेफ